हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन चैप्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ तक समझा दिया था, तो अब नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। नेम एनी 10 वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन वर्किंग। कोई 10 ऑनलाइन वर्किंग वेबसाइट के नाम लिखने हैं। तो फाइव तो मैं ही बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट है अपवर्क, सेकेंड है गुरु, थर्ड है स्काईवर्ड, फोर्थ है फ्लेक्स जॉब्स, फिफ्थ है पीपल पर और। तो फाइव मैंने बता दिए, फाइव आप लोगों को लिखना है। तो अब नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ, जो कि है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से एक आंसर सही है, ठीक है। तो ए वाला है टिक द करेक्ट आंसर, इनमें से सही आंसर पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैन बी इंक्लूडेड अंडर आईसीटी। ए मोबाइल फोन्स, बी रेडियो, सी नेटवर्क्स, डी ऑल ऑफ दिस। जैसे कि मैंने समझाया था कि ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस है अंडर आईसीटी के, ये सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मोबाइल फोन्स भी है, रेडियो भी, नेटवर्क्स, तो ये तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दिस। तो डी पे टिक लगाना है। सेकेंड, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में बी यूज फॉर ए साइबर कैफे ऑपरेशंस, बी वर्चुअल ऑफिस, सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस किस लिए यूज़ होती है, साइबर कैफे ऑपरेशंस के लिए, तो ए पे टिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। ए मैरीटाइम ट्रेडिंग, बी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सी रोड ट्रैफिक कंट्रोल, डी नन ऑफ दिस। तो मैरीटाइम ट्रेडिंग में भी आईसीटी यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में भी आईसीटी यूज़ होता है, रोड ट्रैफिक कंट्रोल में भी यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नन ऑफ दिस। तो डी पे टिक लगाना है। अब भी है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स का यूज़ लेना है और ब्लैंक्स फिल करने हैं। मैंने फिल कर दिए, तो मैं बताती हूँ कैसे। फर्स्ट है ई कॉमर्स साइट्स नीड टू इम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रिवेंट डैश, इसका आंसर क्या है, फ्रॉड। अगर ई कॉमर्स साइट में अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हो जाए तो इससे क्या होता है, फ्रॉड कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है, फ्रॉड। डैश इज ए मेथडोलॉजी ऑफ सिस्टम इन विच इंफॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड मे बी टेकन फ्रॉम और गिवन टू अनदर पार्ट लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इसका आंसर क्या है, आईटी। क्योंकि आईटी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। थर्ड है थ्रू डैश गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसका आंसर है ई गवर्नेंस। किसके थ्रू, गवर्नमेंट ने सर्विसेज अवेलेबल की है सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली, ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है। तो फोर्थ है डैश अलाउज यू टू स्टडी एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, तो इसका आंसर, ये तो समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर है ई लर्निंग, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मैच द कॉलम्स और ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे।